हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग जैसे कि कोरोना के चलते बहुत डर गए हैं और मास्क मिल नहीं रहा है, तो आज हमारे घर में हमारी दीदी जो है मास्क बनाना सिखाएगी आप लोगों को। घर में किसी भी पुराने या नए सूती कपड़े से हम बना सकते हैं। अगर हम पुराने कपड़े से बनाएंगे तो उसको गर्म पानी में अच्छे से धो के डिटॉल के साथ और फिर धूप में सुखा के बना सकते हैं, और अगर नया कपड़ा है तो भी हम उसे धोकर एक पानी से फिर बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे हम लोग घर में मास्क बना सकते हैं। कि हम लोगों ने एक कपड़ा मंगाया है जो हरे रंग का है, और ये सूती कपड़ा है। ये आपको किसी भी दुकान मिल जाएगा, 60 या 70 रुपये मीटर के हिसाब से मिलेगा। इस कपड़ा को फिर हम लोगों ने ऐसे कट कर लिया है। ये हम लोगों ने मेज़रमेंट किया है 9 इंच बाई 8 इंच, इस तरह से कट कर लेंगे। कपड़े पे हम लोग 3 प्रिच लगाएंगे, यानी जैसे फुल पैंट में या कपड़े में हम लोग क्रिच लगाते हैं, इसको मोड़ के 3 क्रिच लगाएंगे। बीच से देख के ये लगाएंगे कि तीनों जो क्रिच हो ये सेंटर में हो, और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग एक सिलाई चढ़ा देंगे जिससे कि ये क्रिच बैठ जाए अच्छे से। और फिर आगे का प्रोसेस जो है ये देखिए, ये 3 क्रिच बैठ गया है। ये तीनों क्रिच को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, इस पर आप आयरन भी चला सकते हैं। और आगे फिर देखिए इस तरह से सिलाई की जा रही है। एक नॉर्मल सिलाई पहले दोनों तरफ से स्टिच कर देंगे। कपड़ा निकला हुआ रहेगा उसको हम लोग मोड़ के सिल देंगे, ताकि जो धागा आप देखते होंगे एक्स्ट्रा कपड़ा से निकलता है वो ना निकले। इसको मोड़ के हम लोग डबल मोड़ देंगे। डबल मोड़ने के बाद इसको सिलाई मशीन पर चढ़ा देंगे जिससे कि अंदर का कपड़ा जो है छिप जाएगा। आइए देखिए, देखिए इसको जैसे ये देखिए ये सिल के निकल चुका है। इस तरह से मोड़ने के बाद हम इसे सिले हैं, और अभी ये सिलने जा रहा है। कि आप जानते हैं कि मास्क में इलास्टिक की ज़रूरत होती है, तो ये इलास्टिक हम लोगों ने ख़रीदा है, जो कि आपको कहीं भी जो कपड़े की दुकान होती है जहाँ बटन और ये सारे चीज़ मिलते हैं, ये इलास्टिक मिल जाएगा। और ये कोशिश कीजिएगा पतला से पतला जो इलास्टिक आता है, कुछ चौड़े इलास्टिक भी आते हैं, लेकिन ये पतला इलास्टिक रहेगा तभी ये मास्क में अच्छा दिखेगा। जिस तरह से हमारा कपड़े की चौड़ाई जो थी 8 इंच की थी, इसीलिए हम लोगों ने जो अपने इस इलास्टिक को 8 इंच में रखा है, यानी ये 8 इंच का है टोटल। और इसको फिर हम देखिए इस तरह से गोल सिलाई कर देंगे, ताकि हम मास्क में लगाने के लिए आसानी हो। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। ये देखिए गोल एक बार सिलाई चढ़ा देंगे, ताकि मास्क में जब ये लगे तो ये किसी तरह से निकले ना। कोई भी कर सकता है, ये अपने घर में आराम से बना सकते हैं। जो भी मार्केट में आपको 100, 200, 50 रुपये में मास्क मिल रहा है, आप 2 से 3 रुपये खर्च होगा आपका, और थोड़ा समय लगेगा, और आपको एक फुल कोरोना प्रूफ मास्क मिल जाएगा। देखिए इस तरह से सिल के राउंड करना है, जिस तरह से अभी सिलाई की हमारी दीदी ने, और इसको सिल के फिर हम लोग कपड़े में लगाएंगे, और फिर वो मास्क का आगे का प्रोसेस पूरा होगा। हम लोगों ने एक हॉस्पिटल से मास्क लाया था, जो कि हमें मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वहाँ से मिला था। ये नॉर्मल सभी हॉस्पिटल में सब यूज़ करते हैं। ये भी एक आम सूती कपड़ों का है, और इसे आप देख सकते हैं, और इसी को हम लोग देख के अपने घर में इस कपड़े का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बिल्कुल वही काम करेगा, हर तरह के वायरसेस से बचाएगा नॉर्मल। बस इसको आपको साफ़ रखना है, बीच बीच में धोते रहना है, जब भी आपको महसूस हो 1 या 2 दिन पे आप धोइए, क्योंकि अभी जब वायरस का असर ज़्यादा है तो मुश्किल से मुश्किल 1 दिन पहनिए एक मास्क को, और फिर धो दीजिए, और धूप में सुखा के फिर आप दोबारा इसे पहन सकते हैं। स्टिक को जो हम लोगों ने गोल बनाया था, उसको जो चौड़ाई रहेगा मास्क का उसको मोड़ लेंगे, और ऐसे मोड़ के फिर इसको सिलाई कर देंगे। ये हम सिलाई करने जा रहे हैं ऊपर से मास्क का, जो इलास्टिक जो हम लोगों ने राउंड करके लगाया है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये फाइनल टच हम लोग देने जा रहे हैं अपने मास्क को। कोई भी इसे घर में बना सकता है, बहुत ही आसान है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 200-300 रुपये की मास्क खरीदने की। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई मशीन हो, आप घर से सुई से भी, सुई और धागे से भी सिल के बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से, अभी ये मुझे मिलेगा हाथ में, ये देखिए ये मास्क पूरी तरह से तैयार है। आपको अगर ये देखिए, जो हॉस्पिटल से हम लोगों ने मास्क लाया था वो मास्क और इस मास्क में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस रंग का अंतर है, कपड़ा भी सेम है, सारी क्वालिटी भी सेम है। देखिए दोस्तों ये मास्क बनके तैयार है, और मैंने इसे अपने मुंह पे लगा लिया है। इससे हमारी नाक भी पूरी ढक गई है, और मुंह भी। इससे हमें कोरोना या किसी भी तरह के वायरस या डस्ट से बचने का एक बहुत ही आसान और सस्ता उपाय है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक और कमेंट अपना सुझाव जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।